महाशुद बीज के दिन आज गुरुवार को मुहूर्त दिया गया है और महाशुद बीज का ये मंगल मुहूर्त 23 में वैशाख वद पाचम राजनगर में हमारी जो भी पहले 8 मोक्षों की मुहूर्त दे चुके हैं, अभी 4 दिए और आगे जितने भी हो गए सभी की दीक्षा। ऐसे ऐसे महाराजा को चिंतित देख करके राज दरबारी उसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं आइए सुनते हैं। महाराज क्षमा करना, आप इतने उदास चिंतित व बेबस क्यों है? ऐसा क्या हुआ? क्या हमारे राज्य पर कोई संकट आने वाला है? चिंतित ना हो महाराज, हमारे राज्य में सेनापति कुशल कोषाध्यक्ष राजगुरु जैसे महारथी योद्धा है, फिर चिंता की क्या बात? और साथ ही सेनापति भी क्या कहते हैं महाराज अधिराज को? मंत्रीश्वर, हमारे यहाँ कोई भी कष्ट नहीं आ सकता। जब से महारानी की सपनों की चर्चा चली है तब से सारे पड़ोसी राजा एक समान हो चुके हैं। अगर किसी ने भी हमारे राज्य पर या प्रजा पर हमला किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चिंता ना करें महाराज, मुंह तोड़ जवाब तो दिया जाएगा। आपका सेनापति का जोश तो बहुत ज्यादा है, गले में इनके रसमलाई का प्रभाव दिख रहा है। मैं आप जैसे मंत्री सेनापति एवं कोषाध्यक्ष हो, उस राज्य में भला क्या कष्ट हो सकता है? मेरी चिंता का कुछ और ही है। तो भी महाराज, ऐसी क्या बात है जो आप हमें बता नहीं सकते? जब आपने पूछ ही लिया है तो मुझे बताना पड़ेगा। आज महारानी को सपना देखते हुए 9 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक कोई शुभ समाचार नहीं मिला है, अंत मैं चिंतित हूँ। ओ महाराज, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप क्यों व्यर्थ में चिंता कर रहे हो? आप देश गुरु और धर्म पर श्रद्धा रखिए और आप ज्योतिषी पर विश्वास रखिए और कोई ना कोई शुभ समाचार अभी आता ही होगा, ऐसा मेरा मन का व्यक्त है, ऐसा मेरा मन का विश्वास है। ओ महाराज आप व्यर्थ शरणागत प्रतिपालक जीव दया, प्रतिपालक जीव दया प्रेम परम प्रतापी प्रयास श्रेयस महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। आओ वृंदा, क्या संदेश लाई हो? राजन, आज मैं आपको एक अति उत्तम और हृदय को आनंदित कर देने वाला समाचार देने आई हूँ। अच्छा, ऐसा तू क्या समाचार लाई हो? महाराज, समाचार तो ऐसा है कि सुनने से ही आपका मन आनंद से भर जाएगा। अच्छा, क्या बात कर रही है, बोल तो जाए। बताती हूँ महाराज, धीरज रखो। बताती हूँ धीरज धरो। महाराजी राज आप अकेले नहीं है, यहाँ बैठे सभी बल्कि आपके नगर के समस्त प्रजाजन को यह बात सुनके नाचने लगेंगे। अरे मोरे बनी धन काट कर रे, माने मोरे बनी धन काट कर रे, मोरे बनी धन काट कर रे।
ऐसा तू क्या समाचार रही है, जल्दी बता, अब तो मुझे सुनने की खूब बेचैनी है। कहती हूँ राजन, कहती हूँ मैं, मेरे हृदय में इतना बड़ा आनंद है, इतना बड़ा आनंद है कि बात मुझे मत पूछो, बात मत पूछो। जल्दी कहो प्रियवंदा, जल्दी बोल, अब मुझे लज्जा मत, अब तड़पा मत, जल्दी बोल, जल्दी से बोल। हे मेरे नाथ, कहती हूँ, कहती हूँ, कहने के लिए तो दौड़ती दौड़ती आई हूँ। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि ऐसे सुंदर समाचार सुनने का सद्भाग्य मुझे मिला है, ऐसा सद्भाग मुझे मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छा, बस बस, अब तू समाचार लाई हो तो मुझे जल्दी बता, अब देर मत कर, मेरी आतुरता को समाप्त कर। ओए होए, मथेन वंदामि, मथेन वंदामि, साधु भगवंतों को मथेन वंदन, साधु भगवंतों मथेन वंदामि। आचार्य महाराज बता दो, आचार्य महाराज बता दो, साधु भगवंतों बता दो, साध्वी महाराज बता दो, नरेंद्र भाई बता दो, संगीतकार नरेंद्र भाई बता दो। पद सारे गरे सा सारे गामा मधद अरे देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए साध्वी महाराज बता दो, महाराज बता दो, महाराज बता दो, प्रजाजन बता दो, बता दो, काका मम्मी बता दो, जल्दी बता, बता दो, जल्दी बता, महाराज बता दो, जल्दी बता, जल्दी बता, बता दो, जल्दी बता, जल्दी बता, महाराज बता दो। ये क्या सीढ़ी अटक गई है क्या? आप महाराज बता दो, बता दो, आप एक बार बोलिए महाराज, बताओ, बताओ, बताओ। साधु मां साध्वी महाराज, आप तो माला गिन रहे हो, मन मन मुस्कुरा रहे हो, आप बोल दीजिए, बता दो, बता दो, तो उपवास है ना रे। बता दो महाराज, बता दो। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बधाई जैसे ही देवे ना, जरूर आप नाचना, लेकिन जब तक भगवान को यहाँ पर नहीं लावे ना, तब तक यहाँ से उठ के मत जाना। वो राजकुमार का जन्म हुआ है, जन्म राजकुमार को अभी तक आपने देखा नहीं है, अभी तक इंद्र इंद्राणी बन करके आपने जन्म कल्याणक मनाया है, अभी तक पुंडरीकिणी नगरी की प्रजा बन करके नहीं मनाया है, क्योंकि राजा को पता नहीं चला है। इस राज दरबार में प्रभु आएंगे ना, उनके समक्ष हाँ नमन वंदन करके, गुरु भगवान स्वयं नमन वंदन करेंगे, उसके बाद सारा मंगल होगा। आइएगा जी, क्या कहते हैं प्रियवंदा, त्वरित गति से महाराज बता दो, बता दो, कहती हूँ मैं, प्रमयम गोयम मा प्रमयम। पहले एक बता, बात कहिए कि ये खुशहाली का समाचार देने वाली दासी को आप क्या दोगे, क्या दोगे, क्या दोगे? वाह, तू भी खरी निकली, बहुत पक्की हो, जो काम पक्का करके ही करती है। अरे इतने पूछने की क्या जरूरत है, तेरी साथ पीढ़ी कर, पीढ़ी ने कभी भी नहीं खूटे, कभी न कमाना पड़े, इतना मैं दूंगा, बोल अब तो बोल, कहे बता दूं, बता, देखो तो हमारे महाराज कितने उदार है, दिलदार है, अरे सेवा करनी है तो ऐसे महाराज की कीजिए। अच्छा? निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ओ हो, एक, एक, एक,
सुनिए महाराज, जिस मंगल क्षण का आप कितने दिनों से राह देख रहे थे, वो पुण्य घड़ी आज आपके आंगन में आ गई है। उससे ही गोत्र भी आनंदित हो जाएगी। आप सुनिए महाराज, आज पटराणी श्री सत्य की देवी माता के परम तेजस्वी रूपवान अद्भुत महाराज, अद्भुत लावण्यमय, देखते ही आंखों में अमृत भर देने वाला इसे परम प्रतापी ऐसे क्या कर रही है प्रतापी पुत्र रत्न को जन्म बैठ जाइएगा अपने स्थान पर। मैं इसकी क्या तारीफ करूं, उसका सुंदर मोह कर आधी दुनिया भूल जाती हूँ। उसका कमल जैसा मुंह बार बार देखने को मन करता है। उसके गुलाबी गाल देख चूमने को मन करता है। एक बार बैठ जाए परमात्मा के कल्याण, एक मिनट परमात्मा के कल्याणक में कोई विधान ना है, प्लीज बैठ जाए। जब तक आप नहीं बैठेंगे तब तक शुरू नहीं कर पाएंगे, प्लीज बैठ जाए। और ये पैसे आपके लिए लाए। उसका कमल जैसा मुंह बार बार देखने को मन करता है। उसके गोरे गोरे गुलाबी गाल देखकर चूमने को मन करता है। उसके मकबल जैसे कोमल पैर, उसकी छोटी छोटी आगे आंखें गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे कोमल ओठ, तिरछी मोहे सीधी नाक, इन सब का वर्णन करने की मुझ में अभी शक्ति नहीं है। हे राजेश्वर, यह पुत्र आपके फूल को दीपाएगा, उज्जवल करेगा और पूरे जगत में सर्वश्रेष्ठ बनेगा। महाराज की जय हो, महाराज की विजय हो, विजय हो। हे पिवंदा, तेरे दिए हुए पुत्र जन्म के समाचार ने मेरे रोम रोम अमृत सिंचन किया है, मेरे हृदय में दीपक प्रगटा है। सामान्य पुत्र के जन्म का समाचार भी माता पिता के क्षण भर के लिए स्वर्ग के सुख का आनंद देता है। फिर तो ये 14 महादिव्य सपनों का पश्चात पुत्र रत्न को जन्म समाचार से मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है। ये स्वाभाविक है। आज मेरे हृदय में जो आनंद बस रहा है उसे मैं 1000 मुंह से बता नहीं सकता। पुत्र रत्न का समाचार से आनंदित करने वाली है। प्रियवंदा, आज तूने प्रिय बोलने का साथ तेरे नाम को भी सार्थक किया है। तू भी आनंद कर, मेरी तेरी जन्म भर की दरिद्रता दूर करता हूँ। महाराज, मारा महाराज ने घड़ी खम्मा सुनिए। आइए सबसे पहले प्रिय मदा को सोने के चैन आइए, और ये 125 करोड़ स्वर्ण मुद्रा आइए, ये और ये वर्तमान की भारतीय मुद्रा मैं रखता हूं थोड़ी देर, बस। हाँ, मासूम भाई विलय से बचे की खुशी में
महाराज ने मुझे इतना धन दिया कि मेरी सात पीढ़ी नहीं बल्कि मेरे जन्म जन्म की पीढ़ी तक यह कभी कम पड़ने वाला नहीं है। परंतु हे महाराज, राजकुमार के मंगल दर्शन से ही मेरा भव भव धन्य हो गया, मेरे सारे दुष्कर्मों का नाश हो गया। इस मोह माया रूपी आभूषणों को लेकर पूरा खोलो, पूरा बोलो, जो बोलो वो सब माइक में आवे। मेरे ये माया मोही रूपी आभूषणों को लेकर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? आप भी इसमें आनंद पाओ। ये सोने के चैन और ये सार आप यहाँ उछाल रहे हैं, जिसके हाथ में सोने के चैन आएगी, किसी के हाथ में पैसे आएंगे, क्या आएंगे देखिएगा। इसी तरह बैठे रहिए, आइए आपको सुख चैन मिलेगी, आइए। सबसे पहले ये ऐसे करो, ऐसे पीछे से करते हुए आएंगे, इसलिए आगे बैठ जाएं। आइए मुंगेरी लाल नीचे बैठे, आइए गोपीचंद नीचे, पीछे से ऐसे ऐसे ज्ञान की आसाधना नहीं हुआ इसलिए फेंकना तो नहीं है। अरे अरे भैया कैमरा थोड़ा हम बढ़ जो भैया, 10 रुपया चक्कर में 10 लाख रो कैमरों नोचा मावे थे। आइए नीचे बैठेंगे उनको मिलेगा, जो नीचे बैठे उनको मिल रहा है, नीचे बैठे उनको मिल रहा है, नीचे बैठे उनको मिल रहा है। आप बोल दीजिए, बांट दीजिए। वाग्या दुनिया नो तारण हारो,
राज दरबार में नृत्य का आयोजन किया जाता, उसके बाद में क्या कहते है? देखिए, जब तक भगवान नहीं आए तब तक नहीं उठना, यानी कि राजकुमार के दर्शन करके ही जाना है। की घोषणा करो, महोत्सव के दरमियान कोई हिंसा न करो, मांसाहार न करे, एवं मदिरा पान न करे, कैद खाने में तमाम कैदियों को कैसे मुक्त करो। जो आ गया महाराज। छड़ीदार चाहिए, कैद खाने के सभी कैदियों को मुक्त कर लीजिए। एक मिनट, खाली दो मिनट का कार्य से बैठ जाइएगा। कोषाध्यक्ष जी, पुत्र रत्न के जन्म के समाचार सुनते ही मेरा रोम रोम आनंद से भर गया है। आज मेरा वैभव, मेरी वृद्धि सिद्धि सफल हुई है। अपने सारे भंडार खोल दीजिए, वाचकों को दिल खोल कर दान दीजिए, एवं समस्त प्रजाजनों का कर्ज माफ कर दीजिए। सभी का कर्ज माफ किया जाता है। देखिएगा, अरे मोदी जी हो के बलि को भी वो किसान कैदियों को मुक्त किया जाता है, भयंकर कैदियों को। अरे ये कैदियों को मुक्त किया जाए। पर ये कैदी है तो ये कैदी पतंजलि का आटा कैसे उपयोग कर रहे हैं? कैद खाने में इतना खाना मिलता था, खा खा करके पतंजलि की एडवर्टाइज कर रहे हैं। कैदी नंबर एक। मेरा नाम वीरप्पन है, मैं करता हूँ चंदन के लकड़ियों की तस्करी। महाराज, आज से तस्करी करना बंद, और पुंडरीक नगरी में चंदन घिस घिस के प्रभु की पूजा करूंगा और जिन शासन की सेवा करूंगा। महाराज जय चिरंदु बना। आज से पुंडरीक नगरी में चंदन घिस घिस के सियाना नगरी का पुजारी बनूंगा और जिन शासन की सेवा करूंगा। अरे वाह, चंदन आज से चंदन किसे के काय ट्रस्टी मोदे, इनको अपॉइंटमेंट लेटर देवे। पुजारी आड़ो बोल दर्शन परिवारी, पूजा पे नरपत नर पाई आओ बोलती आगनी उच्चे मेरे मन में आधीना मेरे तन में आधीना ओ रोम रोम में ओ रोम रोम में समाया आदिनाथ रे रोम रोम में समाया आदिनाथ रे मेरी सासों में समाया क्या कहेंगे पीड़ी पीड़ी ताले के साथ एक के दो तीन अच्छा जैसे कलियों में है रंग ओ जैसे फूलों में सुगंध जैसे कलियों में है रंग ओ जैसे फूलों में सुगंध ओ जैसे कलियों में है रंग जैसे फूलों में सुगंध जैसे कलियों में रंग पत्ते पत्ते में हो पत्ते पत्ते में लिखा है आदिनाथ रे पत्ते पत्ते दोनों हाथ ऊपर चल गए।
सभी अपने दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे क्या? यस कल्याण पर बसो विक्रम दस चरित्रम आपने देखा परमात्मा का जन्म कल्याणक देवी देवताओं ने आकर के मेरु शिखर पर अभिषेक करके किया, प्रियमदा ने आकर के शुभ बधाई दी और बधाई देते महाराजा धीराज इतने प्रसन्न हुए कि उसे सात पीढ़ी में कभी कम न पड़े इतना धन दिया। लेकिन जैसे पुत्र का जन्म हुआ घर पे सभी सगे संबंधियों को संदेशा भेजा जाएगा और अभी तक तो हम राजकुमार राजकुमार कह रहे, लेकिन अभी तक राजकुमार का नामकरण नहीं हुआ है। तो प्रभु का नाम नहीं सुना तो क्या सुना। आइएगा आज के इस राज दरबार की कार्रवाई शुरू करते हैं। छड़ीदार पाए से तेज चलेंगे, तेज चल। घूम पाए से तेज चलेंगे, तेज चल। मनुष्य भी असंख्यता है चौगटी भ्रमण मैं मोक्ष ढाई द्वीप से आर्य भूमि से सदा हरिहंत जन्म ते जहां वो पंद्र कर्म भूमिया असीम सी खुशी वहां है धर्म साधना वहां नमो अरिहंताणम सिंह सम लोक में उत्तम चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक स्वेद मूत्र मल नहीं आहार भी अदृश्य है
प्रभु पंच मुष्टि रोच से शुक्ल ध्यान में रहे आत्मरी उसे लड़े खिलौना भी लाया सुंदर वस्त्रों भी लाया खिलौना भी लाया सुंदर वस्त्रों भी लाया ये मिठाई ये फल अत्यत ये सब तेरे लिए है लाई हो और ये सोना चांदी मेरे कुंवर के लिए लाई हो कितने मुस्कुरा रहे बुआ साहब अरे वाह आई आई बुआ जी देखो अल्ले बेलिया संगे लाई है लाई ये सहेले बुआ सा आई बुआ सा आई बुआ सा खिलौना भी लाया थारे वस्त्र भी लाया खिलौना भी लाया थारे वस्त्र भी लाया ओ हो 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 लाया लाया रे लाया लाया रे लाया लाया रे सोना रे बुआ सा आया रे
पंडित जी और राज ज्योतिषी अभी तक नहीं आए। प्यारी बहना, तुम थोड़ी धीरज रखो, राज ज्योतिष व पंडित अभी भी आते ही होंगे, उन्हें लेने के लिए सेवक जा चुके हैं। राज ज्योतिष और पंडित आते ही होंगे, लेने के लिए सेवक जा चुके हैं, और सेवक जा चुके हैं, सेवक आरंभ फरमा रहे, आइए जा चुके हैं। आइए, सोने की छड़ी तो सुना, रुपए का मसाला ये कहां से आला? ओ, बात से बात याद आएगी, इसलिए कहना चाहूंगा, तपा गच्छाधिपति प्रेम सूरी जी का गांव है, उस गांव में प्रतिष्ठा थी, तो वहां इंद्र महाराजा बड़े जोश में क्रोध में आ गए, और वो क्रोध में आ गए, कौन है जिसने मेरा सिंहासन चलाया, मान के आए, बाद में ओहो ये तो प्रभु का चवन प्रास हुआ है। सुरेंद्र गुरु जी थे, सुरेंद्र गुरु जी के इतनी इंजन से लगा कर ली, लेकिन ऐसा बोलने वाला पहली बार मिले। सुरेंद्र गुरु जी का भी वही गांव है, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत पुरानी बात है। तो यहाँ पर जोश में आकर के माइक हाथ में आता है तो पांव अलग डांस करते, हाथ अलग डांस करते, मुंह से बोलना कुछ उतर। कुंडली में सभी ग्रह उच्च कोटि के हैं, कुंडली के आधार पर राशि धन है, नक्षत्र उत्तरा साढ़ा है, इसके पर कोमल का नाम रखा जाए। भाई भुआ को बता देते नाम क्या रखना है, फिर भुआ रखेंगे नाम, और जैसे ही भगवान का नाम उद्घोषित हुए, हाँ बिल्कुल आप आनंद के साथ में अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, बिल्कुल आज मर्यादित पूर्वक से, क्योंकि मेरे गुरुदेव का आदेश है, बिल्कुल एक सेकंड का भी समय बिल्कुल देख व्यर्थ नहीं गवाना है। आइए जी, क्या कहते आइए महाराज अधिराज, क्या कहते आइए। देखो राज ज्योतिषी पंडित गण पधार गए हैं, पधारिए पधारिए पंडित जी, आइए। ओके महाराज अधिराज जोश में आ गए थे, आइए आगे चलते हैं। अब बहन यानी कि महाराज अधिराज की बहन यानी कोवर के भुआ नाम रखेंगे, थोड़ा भुआ साहब भरोसा को कभी भरोसा जमा ही तो एड़ा बेड़ा एकदम सीधा, कोई टेंशन नहीं, कोई लेना न कोई देना, राजी खुशी राजी खुशी रहना, वास्तव में जमाई था, वारे वाह, कतरो थोड़ो कंट्रोल लेनो माते नहीं है भाई, ये तो मत के नरेंद्र भाई के मारी थोड़ी राखो थे, बहुत बढ़िया ऐसे सरल स्वभावी। अब नामकरण के लिए बिल्कुल चार बहने आ जाएगी, साथ में हमारे शुद्ध विधि विधान कराने वाले, निस्वार्थ विधि विधान कराने वाले ऐसे हमारे श्री, हो गया इधर फॉर्मेलिटी, ओके ठीक है जी आइएगा। वैसे एक सत्य विजय जी की एक बात कह दो, वर्तमान में जितने विधि कारक है ना उसमें एकमात्र सत्य विजय जी ही ऐसे है जो नॉन प्रोफेशनल विधि कारक है, जोरदार तालियां हो जाए। ये मैं भरे मंच पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक निस्वार्थ भाव से सेवा जो गुरु के प्रति मन में इनके भाव है ना, वो आज भी बिल्कुल आइएगा, और साथ में आइए लोग भाई आइए जल्दी से इनको, हाँ ये नामकरण की जो चैन है ना, ये नामकरण का मंत्र बोलने के बाद पहनाई जाती है, अलंकार का भी मंत्र होता है, भूरोसा और भुआसा दोनों मिलके पहनाएंगे, आइए तब तक रखिए, पर आपको साथ में खड़े रहना है और बोलना है, भुआसा का माइक जरा थोड़ा, भुआसा थोड़ा जोर से बोलना है, जो यहाँ सियाणा में जो नौकर सी है उसका प्रभाव उस हिसाब से बोले, बाकी तो जोरदार मिटेगा। अच्छा बहन आराम ना फरमाए, इधर रहे, आइए बोलो, ओली जोली पीपल पा हुआ ने, ओली जोली पीपल पा हुआ ने रखा सीमंद कुमार। भगवान के नाम पर जोरदार तालियां बजाना, अभी ईशान में स्थित सीमंदर भगवान समर्पण में देशना दे रहे होंगे, हमारी बात सुन रहे हैं उधर सीधे 20 वीर मार उधर सुन रहे, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा करके, सीमंदर 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 सीमंदर
परमात्मा को यहाँ पर अलंकार आदि को अर्पण करने का, सबसे पहले परमात्मा को सोने की चैन अर्पण कर रहे हैं भुआ भरोसा, और इधर इधर भगवान के माता पिता यानी महाराजा धीराज की तरफ से भी भुआ भरोसा को जो आपस में व्यवहारिक वस्तु प्रदान की जा रही है उनका भी यहाँ पर उल्लेख करेंगे। और इस प्रकार से नामकरण का विधान पूरा होगा, उसके बाद सीधा पाठशाला गमन, और पाठशाला गमन के बाद में सीधा सगाई, मामेरा और लग्न महोत्सव, कुल मिला के 27.5 मिनट का ही कार्य शेष है। इसी प्रकार बैठे रहेंगे, आइएगा, सब बोलेंगे, तब तक क्या कहेंगे, नाम है तेरा कब तेरा जीने की प्रतिमा हो कितना कोई सोना चढ़ाए कोई चांदी चढ़ाए कोई सोना चढ़ाए हो या पर आइएगा भुआसा को महाराजा धीराज की तरफ से सोने की चैन प्रदान की जाती है। क्या बात है, महाराजा धीराज हो तो ऐसे आइएगा, आइए महारानी जी पहना रहे और इधर वस्त्र ए जबला भी लाया थारे टोपी भी लाया जबला भी लाया थारे टोपी भी लाया ओ हो 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 लाया लाया रे लाया लाया रे लाया लाया रे सोनारे चैन से सुंदर सपनों से प्यारी स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारी मेरे राजकुमार नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए निसरे कर सरे कर सरे निसरे कर सरे। सबसे पहले भुआ भरोसा झूला झूलेंगे, क्या कहेंगे, नीचे बैठ करके प्रेम से झूला झूलाएंगे, सामने की तरफ देखेंगे ताकि हमारी राठी फोटो स्टूडियो दिव्येश भाई ने बड़ा नया कमाल किया है। सारा प्रोग्राम हमारा फेसबुक के सियाना पेज पर लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं, न केवल लाइव चल रहा है बल्कि 5-10 वर्ष बाद भी आपकी इच्छा होगी तो उस प्रोग्राम को देख सकेंगे क्लिक करके, सदा के लिए उस अपलोड हो गया उसके ऊपर, बिल्कुल तालियां हो जाए दिव्येश भाई के मास्टरमाइंड को, थैंक यू वेरी मच। आइए सामने देखिएगा और झूला ये झुलाएंगे लेकिन गीत हम सब मिलकर के गाएंगे, क्या कहेंगे, झूलो झूलो रे थे तो सत्य की राजा के थानी झूला रे आखो मारवाड़ हो आखो गोड़वाड़ हो दे तो मैंने सियाना का नाम क्यों नहीं लिया, सियाणा वाले तो एक तो भाई व्हाट्सएप में लगोड़ा है, कोई लेना कोई देना ना रहे, हाँ ये देखो अतरा घुसियारा माया गणा कोई शब्द भी नहीं सुने इनको, हाँ मारो कोई गालवारी जरूरत नहीं, मारो तो भगवान नाम गाली रू है, नरेंद्र मोदी नरेंद्र नाम रे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे नाम का बहाना मत लो, परमात्मा के सामने देखो मेरा भी नाम अमर नहीं रहेगा, किसी का नाम अमर नहीं रहेगा, चक्रवर्ती का नाम भी अमर नहीं रहता है, दूसरा चक्रवर्ती आता है ना पहले चक्रवर्ती का नाम मिटा करके खुद का लिखता है, इससे दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाए, शास्त्र की बात तो उन्होंने लेना देना नहीं, कटे चक्रवर्ती नाम लगे वही उन्होंने भी बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर तालियां बजा करके आप भक्ति करेंगे, आपका नाम लूंगा और क्या कहूंगा, थाने झूला में आखो सियाणा आखो सियाणा
मां झूला रही है तो क्या कहेंगे कि जू 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 सत्य की कलाला है ये जग का उजाला है ये तेरे नाल से तो सारा जग झिलमिला रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए और गुलाबी पल के चूम के जगा सुनारा बाजोरियो ने मोती सुजरियो शान हो सकती तेरा जाया ओ सी मंदिर कौन पालन पोड़ा पालन पोड़ा बोने अलग होलरा लल्ली लल्ली लाजू थोड़े पाय ओ सी मंदिर कौन पालन आइएगा समय जल्दी कुछ फास्ट छोटा छोटा छोटो छोटो हाँ जो लेन देन का व्यवहार है सबको दिया जा रहा है हाँ, और इधर इधर भी लेना देना सब हो गया क्या बाकी कोई लेना न कोई देना राजी खुशी पंडित प्रभु ने जो निशु बनावशे पंडित प्रभु ने जो निशु बनावशे सत्य के लोलाल चुने बनवावे सत्य के लोलाल चुने बनवावे अरे बनवावे 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 रे चंदा सा मुखड़ा ब्राइट चेहरे पे स्माइल साइट अच्छा हाँ सही है कि चंदा सा मुखड़ा ब्राइट चेहरे पे स्माइल साइट नैनो चमके जू लाइट देवो में ब्रिलियंट हैं हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट हैं हमारे प्यारे दादा भक्तों की सुनते अर्जेंट केवल वीडियो रिकॉर्डिंग करने से या लाइव करने से कुछ नहीं होगा तालियां भी बजानी पड़ेगी आपको अगर मैं सही कह रहा हूं तो यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल साथ दीजिएगा केवल कर्नूल वाले नहीं बाकी लोग भी बोल सकते हैं चंदासा मुखड़ा ब्राइट चेहरे पे स्माइल साइट चंदासा मुखड़ा ब्राइट चेहरे पे स्माइल साइट नैनों चमके जो लाइट देखो में ब्रिलियंट है हमारे प्यारे दादा भक्तों की सुनते
कर्मों के बंधन साए गुरु भक्ति में प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते हर जय हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते हर जय कर्मों के बंधन टाइट गुरु भक्ति मेरी टाइट कर्मों के बंधन टाइट गुरु भक्ति मेरी टाइट कर देते रोंग को राइट इनमें होते हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते हर जय हमारे प्यारे दादा भक्तों की सुनते हर जय ये आप लोग बंद कैसे होंगे अभी मौका है बैठे बैठे जो भी करना है ये बात अद्भुत है जिनकी हाइट जिनसे है डेर जिनसे है डेर जिनसे है डेर कर देते फ्यूचर ब्राइट ये 100% है हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुन अभी एकदम इतने साइलेंट बैठे हैं आप लोग ऐसा लग रहा है कि सुनने के लिए बैठे हो आप चिंता मत करना हाई डोज नहीं दूंगा सुनने वाली बड़े आराम से भाव से कहना कहते हैं ना कि भक्ति कर तो ऐसी कर जो दादा के मन भाए तू क्या दादा से मिलने जाए दादा खुद तुझसे मिलने सियाना में आए तो वैसे ही भाव से कहना कि फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें दिल खो गया सेकंड टाइम में लव हो गया फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें दिल खो गया सेकंड टाइम में लव हो गया कई लोग कहते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं भक्ति में लव शब्द का क्या लेना देना भाई लव शब्द गलत थोड़ी है गलत तो हमारे भाव होते हैं पता नहीं कहां कहां बोल के वैलेंटाइन डे भी आने वाला है देखना अभी क्या होगा कहां कहां बोल के आएंगे लेकिन जब सही जगह मिली वहां बोलने में हमको शर्म आ जाती है अरे आज ये गुरुदेव सामने बैठे हैं सबसे ज्यादा प्रेम हम अगर किसी से करते हैं तो वो गुरुदेव से करते हैं क्योंकि कहते हैं ना दुनिया में कई प्रकार के दुखी हैं और मुख्यतया कितने प्रकार के दुखी होते हैं बताएं आपको दुनिया में कितने प्रकार के दुखी लोग हैं सुरेश भाई 7 प्रकार के दुखी होते हैं एकदम ध्यान से सुनना कि पहला जगत में वो दुखी जिसके सर पे कर्जे का भार होवे दूजा संसार में वो दुखी दिन रात जो रहता बीमार होवे तीजा संसार में वो दुखी कि तीजा संसार में वो दुखी घर में जिसके झगड़ा लूनार होवे सब मुस्कुरा रहे हैं सबसे ज्यादा दुख 3rd number का ही होता है सबको क्या बात है और चौथा इस जहान में वो दुखी औलाद जिसकी ना आज्ञाकार होवे पांचवा वो दुखी है सास बहू की जहां टकरार होवे और छठा वो दुखी है जिसको हो जुए की आदत जिसको हो जुए की आदत और रोज रोज ही हार होवे सातवा वो दुखी है जिसका कहीं ना मान ना सत्कार होवे और इन सातों से बड़ा वो दुखी है इन सातों से बड़ा वो दुखी है गुरुदेव के चरणों से जिसको ना प्यार होवे इसलिए मिलकर के कहना आज मौका मिला है सही जगह मिली है कि फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें दिल खो गया सेकंड टाइम में लव हो गया फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें सेकंड टाइम में लव हो गया ये अखा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है
ये अखा दुनिया जानता है हम तुम पे मरता है। दिल क्या चीज है गुरुवर हम तो जान तेरे नाम करता है। दिल क्या चीज है गुरुवर हम तो जान तेरे नाम। ताली के साथ फसाइंदेगा तुम्हें दिल खो गया करके ये लोग करते हैं इनको याद है करते हो घर में रोज है? कि कर्मों से करके फाइट कर दिया है मोक्ष डिसाइड। कर्मों से करके फाइट कर दिया है मोक्ष डिसाइड। आ जाओ इनके साइड हम सब।